जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये शबाना खातून पत्नी तबरेज आलम के द्वारा ये निर्मित मकान है। इस पर RBO एक्ट के अंतर्गत ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पहले ये नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के द्वारा इसको ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था, जिसके पश्चात शबाना खातून के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपील दायर की गई थी। जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से ये निर्णय हुआ कि नियत प्राधिकारी अर्थात अवर न्यायालय ने जो निर्णय लिया था वो गुणदोष के आधार पर सही निर्णय लिया था, इसलिए उनकी अपील खारिज कर दी गई। उसी के क्रम में आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले इसमें कुछ अवैध असलाह फैक्ट्री संचालित होता था, क्या जानकारी है? पुलिस विभाग से आप देख सकते हैं कि CO सिटी साहब और SHO दक्षिण टोला साहब उपस्थित हैं। इनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि इस मकान में पहले अवैध रूप से शस्त्र बनाए जाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें उस समय सुसंगत धाराओं में कार्रवाई भी की गई थी। आज इन पर RBO एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। कितने संपत्ति की थी? लगभग जमीन और पूरे मकान का मूल्यांकन किया जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास इसका पूरा मूल्य आएगा।